नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जी जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय द्वारा एक दिवसीय भीलवाड़ा जॉब फेयर रोजगार मेले का आयोजन राजेंद्र मार्ग स्कूल मैदान में किया जा रहा है। भीलवाड़ा जॉब फेयर शुभारंभ जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने मौली बंधन खोलकर किया। रोजगार मेले में 32 निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाई गई। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1000 वैकेंसी है। उद्देश्य है कि युवा वर्ग पढ़ा लिखा है, उसे अधिक से अधिक रोजगार प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि बार बार जो बदलने से किसी भी इंडस्ट्री का किसी भी एसोसिएशन का विश्वास खो देते हैं, प्रॉपर जानकारी लेकर लंबी जॉब चले। जिला रोजगार अधिकारी मुकेश गुज्जर ने बताया कि एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भीलवाड़ा जिला और चित्तौड़ जिले के अभ्यर्थियों को नौकरी देने के उद्देश्य से जॉब फेयर मेला लगाया गया। करीबन 3000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 32 निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाई गई है। शाम तक 1000 जॉब देने की जानकारी मिल सकती है। प्रमुख कंपनियां संगम इंडिया लिमिटेड, नितिन स्पिनर्स, RSWM, डीमार्ट, वार्डन वुलंस, LNT अहमदाबाद, SIS सिक्योरिटीज, एंड्रॉइड इंटरनेशनल उदयपुर, रामस्नेह चिकित्सालय, कृष्णा हॉस्पिटल और भीलवाड़ा अग्रो लिमिटेड, चैंपियन कार्ज मारुति सहित स्टॉल लगाई गई है। जॉब लेने के लिए आई गुलाबपुरा से संगीता गर्ग ने पहली बार जॉब फेयर में भाग लिया है। उनके हिसाब से ये अक्सर होते रहना चाहिए। अभ्यर्थियों को मालूम हो सके कि कौन सी कंपनी अच्छी है, इतनी स्टॉल लगी है कि सबसे पूरी जानकारी मिल सके। भीलवाड़ा महोत्सव, उद्योग मेला और जॉब फेयर, तीनों का समायोजन इकट्ठा भीलवाड़ा में आयोजित किया गया। सबसे शुरुआत पहले हमने शुरुआत करी उद्योग मेले से, जहां पर विभिन्न उद्योगों को प्रमोट करने के उद्देश्य से वो मेला आयोजित किया गया। उसके बाद सोशियो कल्चरल इवनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप टॉक की गई और अंत में जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है, जहां पर लगभग 1000 वैकेंसीज हैं और 1000 कैंडिडेट्स को इंडस्ट्रीज के साथ मैचमेकिंग कराई जाएगी। उद्देश्य यह है कि जो युवा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा है, जो जॉब सीख कर रहा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रदान किए जाए। और जैसा कि अभी मैंने इंटरेक्ट किया, बच्चों को ये बताया गया है कि बार बार जॉब बदलने से किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी एसोसिएशन का जो ट्रस्ट है जॉब सीकर्स में, वो कम होता है। तो अपनी कैपेबिलिटीज और अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से प्रॉपरली एनालाइज करके उसके बाद जॉब के साथ एसोसिएट हो, ताकि लंबा ड्यूरेशन चले, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो और इंडस्ट्रीज एंड वर्कर्स दोनों को एक स्टेबिलिटी प्रदान की जा सके। जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय द्वारा एक दिन का ये जॉब फेयर लगाया जा रहा है। आज हमने भीलवाड़ा जिले और चित्तौड़ जिले के कैंडिडेट्स को मोबिलाइजेशन किया था और मोस्टली भीलवाड़ा पे कंसंट्रेट करते हुए करीब 3000 के आसपास बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया था अपना। और जो एम्प्लॉयर है, क्षेत्र के जो सभी मेजर एम्प्लॉयर है, वो इसमें भाग ले रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल है, कंस्ट्रक्शन है। MGM सिटी में जीतो भीलवाड़ा चैप्टर की नई कार्यकारिणी यूथ विंग व लेडीज विंग के पद स्थापना पर शपथ ग्रहण समारोह में टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम शैलेश लोढ़ा, कलेक्टर आशीष मोदी, जीतो एक्सप्रेस चेयरमैन सुखराज नाहर, प्रेसिडेंट अभय श्रीमाल, जीतो के संजय डांगी, डायरेक्टर महावीर चौधरी, राजस्थान जोन चीफ सेक्रेटरी महावीर चपलोत, नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुशील डांगी आदि ने भी संबोधित किया। जीतो के मुख्य सचिव निशान जैन ने जीतो को आगामी योजनाओं का भी जानकारी दी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में 223 नए मेंबर बनाए, जिसमें JTF 1, चीफ पैट्रन मेंबर 30, पैट्रन मेंबर 34, यूथ विंग मेंबर 108, महिला विंग मेंबर 50 बने। सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नई कमेटी 2 साल काम करेगी। हॉस्टल निर्माण के लिए जीतो एक्सप्रेस चेयरमैन सुखराज नाहर ने 51 लाख रुपए दिए। आगामी अक्टूबर माह में जीतो कनेक्ट राजस्थान के जयपुर में करने की घोषणा की। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फिल्म कवि एवं साहित्यकार शैलेश लोढ़ा ने कहा कि मेरे दोस्त संजय डांगी के कारण मैं भीलवाड़ा आया हूँ। 6 सालों के बाद यहाँ पर पधारा हूँ। भीलवाड़ा आना बहुत अच्छा लगता है। जिस प्रकार जीतो सभी सदस्य मेहनत कर रहे हैं, मेवाड़ आना बहुत अच्छा लगता है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हाथ से हाथ पकड़ कर यही जीवन में बहुत जरूरी काम है। राष्ट्र सबसे पहले है, इसमें माननीय हर चीज, हर जाति, हर संप्रदाय, हर भाषा, हर क्षेत्र से बड़ा देश है। जीतो मैनेजिंग कमेटी सुशील डांगी, चेयरमैन मीठालाल सिंह वी, अनिल चौरड़िया, प्रमील सिसोदिया, महेंद्र नाहर, मनीष शाह, अनिल पाटनी, अनिल दासोत सचिव है, संपतलाल जैन ट्रेजरार व ललित दोषी जॉइंट ट्रेजरार है। जीतो यूथ मैनेजिंग कमेटी प्रतीक शाह चेयरमैन, प्रतीक बोनालिया मुख्य सचिव, अभियोर्ता नाहर व सिद्धार्थ मारू व विभोर गोदा वाइस चेयरमैन, आशीष चौरड़िया ट्रेजरार, अचल चौधरी, सिद्धार्थ कावड़िया व आर्यमन जैन सचिव, कार्तिक
पाटनी व अक्षय पोखरना मेंबर है। जीतो लेडीज मैनेजिंग कमेटी नीतू ओसवाल चेयरमैन, जसवंती जयवंती अजमेरा, नीतू चौरड़िया वाइस चेयरमैन, सपना तातेड़ मुख्य सचिव, निकिता पाटोदी मनाली चौरड़िया सचिव हैं। उषा काला को ट्रेजरर बनाया गया। इस अवसर पर त्रिलोकचंद छाबड़ा, राजेंद्र प्रोखंडा, राजेंद्र गोकरू, अजय लोढ़ा, निश्चल जैन, सुभाष उमर, लोकेश अजमेरा, ललित डोसी, ओम सिसोदिया, प्रमिल सिसोदिया, संगम ग्रुप के चेयरमैन रामपाल सोनी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, विनोद सिंह वी, मनीष कोठारी, कविश नाहर, प्रतीक जैन, प्रतीक बुलिया, विभोर कोदा, अभिषेक खंजाची, अरियन जैन, नीतू ओसवाल, मनाली चौरड़िया कार्यक्रम में राजनेता, पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। हमेशा अच्छा लगता है, इस बार शायद 6 साल बाद आया हूँ हालांकि, और इस शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आते हैं ना, तो खुशी भी बड़ी, संतुष्टि का भाव भी आया कि हम तमाम लोग जो यहाँ लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो ये हमेशा ही अच्छा लगता है मेवाड़ आना, चढ़े जो ही आज भी बहुत अच्छा, क्या कहूँ, बस एक शेर मेरा याद आता है, स्वार्थी हो रहे हैं आजकल के, वो आज मुझे देखकर मुस्कुराया है, लगता है कोई काम निकल आया है। तेज है नदी, आप हाथ मत छोड़ना मेरा, आप पकड़ के रखना, आप जरूर पकड़ के रखना, मत छोड़ना। बोले मैडम यही तो कह रहा हूँ, तू पकड़ के रखे, नहीं फर्क है। बोले फर्क क्या है, मैं पकड़ू या तू पकड़े, इसमें फर्क क्या है। बोले नहीं पापा फर्क है, मैं तो इस तूफान के वेग में, इस परेशानी में, इस मुश्किल में, इस परिस्थिति में, तकलीफ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये हाथ से हाथ पकड़ रहिए, ये जीवन में सबसे बड़ा जरूरी काम है और राष्ट्र सबसे पहले इसे मानिए हर चीज। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तुम्हारा दिल बहलाना मेरा काम नहीं। कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना। ये मीठी मीठी बातें कहने वाले और बहुत मिलेंगे। मेरा काम है तुम्हें जिताना, इस बार, इस साल, अभी, इसी वक्त। हजारों सवालों या एक ही सवाल हजारों बार हो, हम मिलकर सही जवाब ढूंढेंगे, चाहे जितनी बार कोशिश करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है, एग्जाम सिर्फ तुम्हारा होगा? मेरा भी होगा। जब तुम कुछ बनोगे मैं भी बन जाऊंगा। जब तुम जीतोगे तो मैं भी जीत जाऊंगी। याद रखो, मैं तुम्हारा टीचर, मैं आकाश बायजूस हूं। क्लास में, घर पे, जेईई और नीट की जीत की ट्रेनिंग, आकाश बायजूस विजय भव। नीट की जीत की ट्रेनिंग, आकाश बायजूस विजय भव। महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है, ताकि आप तक पहुँचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50-90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रुपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसव, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराता है।
हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लेगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल, सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांझलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधारकर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अयंत हॉस्पिटल एवं रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरियंत हॉस्पिटल अरियंत मार्ग, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482-250290-253101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के महा के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर, वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनित कुमार एम टीम, उदयपुर। इसी रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक एमजीएच परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, आरसी व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज, 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर, वृद्धाश्रम, कामधेनु गोशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट एमएमआर पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधु पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था।
ताकि अग्निशमन ने पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की नजर में सुरक्षित 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट एमएमआर पैलेस श्याम विहार के सामने हरनी महादेव रोड भीलवाड़ा। संपर्क सुधे बद्रीवाल सोनी मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। अक्सर मकर संक्रांति लोगों द्वारा दान पुण्य और खेल खेलकर मनाई जाती है, मगर भीलवाड़ा की सैन समाज ने एक अनूठी मुहिम चलाते हुए गौ सेवा को लेकर एक मिसाल पेश की है। भीलवाड़ा जिले की सैन चौरकार वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बीते 7 सालों से गौ सेवा के लिए भीलवाड़ा शहर के हृदय स्थल सूचना केंद्र चौराहे पर भीलवाड़ा शहर के लोगों के निःशुल्क हेयर कट किए जा रहे हैं। इसके बाद लोगों द्वारा गौ सेवा में दान पुण्य के लिए दिए जा रहे हैं। रुपयों को गौ सेवा के लिए गौशाला में दान किया जाएगा। भीलवाड़ा शहर के हेयर आर्टिस्ट द्वारा लगभग 500 से अधिक भीलवाड़ा शहर के लोगों के हेयर कट किए गए और गौ सेवा के लिए 31,000 रुपए एकत्रित किए गए। हेयर आर्टिस्ट राजेश शैन ने कहा कि मकर संक्रांति के उपलक्ष पर सेन समाज द्वारा बीते 7 सालों से गौ सेवा के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके तहत सैन सौरकार वेलफेयर सोसाइटी द्वारा भीलवाड़ा शहर के सूचना केंद्र चौराहे पर आम जन के लिए निःशुल्क हेयर कट किया जा रहा है। वहीं यहाँ से प्राप्त दान को हम गौशाला में गौ सेवा के लिए दान करेंगे। हम बीते 7 सालों से ये कार्य लगातार करते आ रहे हैं, मगर बीच में कोरोना काल के दौरान में यह नहीं हो पाया था और अब एक बार फिर हमने यह सेवा कार्य शुरू किया है। इस अभियान में भीलवाड़ा शहर के सभी हेयर आर्टिस्ट शामिल होते हैं। इसके तहत आज हमने 500 से अधिक लोगों के हेयर कट किए हैं। वहीं भीलवाड़ा शहर के राहगीर और लोगों द्वारा दिए गए दान में हमने 61,000 रुपए एकत्रित कर लिया है, जिसको हम सेवा के लिए दान करेंगे। सैन चौरकार वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से पिछले 7 साल से लगातार ये एक अनूठा कार्य किया जा रहा है, जिसमें हम लोग 14 जनवरी मकर संक्रांति के पावन अवसर पर फ्री में हेयर कटिंग करके समाज को एक नई दिशा के तौर पर हम लोगों ने पेश किया और सारे हेयरड्रेसर शहर के यहाँ पे आते हैं, फ्री में हेयर कटिंग करते हैं, गो सेवार्थ हम लोग यहाँ पे धन एकत्रित करते हैं और गौशाला को देते हैं। ऐसा कार्यक्रम हम लोगों ने किया, पहले इंडिविजुअल किया था, उसको फिर एक बार समाज के तौर पर हम लोगों ने करके ऐसा समाज में एक अलग जगह दी है। हर साल ये कार्यक्रम होता है, पूरे अन्य समाजों के लिए भी एक थोड़ा सा ये एक उनके लिए भी एक प्रेरणा है कि हम लोग अच्छा कार्य करके इसको आगे बढ़ाए और गौ सेवार्थ हम काम करें। धन्यवाद। 15 जनवरी 2023 को बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन पर मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर हरिओम ग्रोगरिया भीलवाड़ा जिले के जिला प्रभारी डॉक्टर महावीर प्रसाद सोलंकी, जिला प्रभारी रामेश्वर लाल जाट, महासचिव हीरालाल बैरवा, किशन एडवोकेट किशन लाल मथुरिया, उपाध्यक्ष किशन लाल कीट, जिला संयोजक गोपाल बैरवा, कोषाध्यक्ष लादूलाल गाडरी, रामचंद्र आगुचा, जिला अध्यक्ष रामेश्वर लाल बैरवा ने कार्यक्रम में मायावती का जन्मदिन केक काटकर मनाया। जरूरतमंद लोगों को 400 ऊनी कंबल वितरण की गई। रामेश्वर बैरवा ने कहा कि इस कार्यक्रम में जनसभा को देखकर मैं पूर्ण विश्वास के साथ देख कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। आप लोगों को आज यहां पर इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर अपने पार्टी के स्तंभ को मजबूती प्रदान की है। आपने जो पार्टी को समर्थन दिया है, उसे पूर्ण आशा की जा सकती है कि प्रांत में प्रदेश में व्यापक स्तर पर परिवर्तन आएगा। मेरे प्यारे युवा भाई बहनों, की ऊर्जावान शहरों से प्रतीत होता है कि आज का युवा देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का 67वां जन्मदिन एक जन कल्याणकारी दिवस के रूप में भीलवाड़ा जिले के रेलवे स्टेशन अंबेडकर सर्कल पर मनाया गया। उसमें केक काटकर जन्मदिन को रूपरेखा दी गई और गरीब तबके के जिनको ज़रूरतमंद लोगों को 400 कमले वितरण की गई और हमारी बहन जी का जो आदेश है पूरे देश के अंदर भीलवाड़ा जिले के अलावा हर जिला हेडक्वार्टर पर मनाया गया है। और हमारी बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में आने वाले चुनाव में पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ेगी और अच्छी पोजीशन आएगी। राजस्थान में पिछले जो
सरकार है वो पूरी तरह विफल रही, कमजोर लोगों पे, गरीब लोगों पे और महिलाओं पर अत्याचार दुष्कर्म के मामले बहुत ज़्यादा बढ़े, चोरी लूट हत्या ये मामले बहुत ज़्यादा बढ़े, इसलिए पूरी जनता इस सरकार से उब चुकी है। महेश मित्र मंडल शास्त्री नगर द्वारा कैलेंडर विमोचन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मंडल के सचिव अशोक चेचानी ने बताया कि मंडल द्वारा वर्ष 2023 के कैलेंडर का विमोचन मंडल के संरक्षक हरिनारायण मुदानी, बीबी गुप्ता, कंवरलाल पोरवाल, अध्यक्ष सुशील मरोटिया, सुनील सोडानी, मनोज कचोलिया के द्वारा किया गया। मंडल के अध्यक्ष सुशील मरोटिया ने बताया कि विमोचन के अवसर पर शास्त्री नगर माहेश्वरी सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं मंत्री भैरूलाल सुमानी का पगड़ी एवं दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंडल के रमेश बंग, संजय जागेटिया, शीतल सोडानी, मनोज मंडोवरा, दीपक समदानी, रामगोपाल राठी, प्रहलाद मंडोवरा, गुलाब सुमानी सहित पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर नवमतदाता अभियान की कार्यशाला संपूर्ण हुई। मुख्य वक्ता भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश बटाना, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, जिला संयोजक भरत सिंह राठौड़ परासोली रहे। इस दौरान बटाना ने बताया नवमतदाता का किसी भी सरकार को बनाने में अहम रोल होता है। जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने बताया कि हर युवा जो पहली बार वोट डालने जा रहा है उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ेंगे। इस अभियान के संयोजक भरत सिंह राठौड़, जिला सह संयोजक सत्यनारायण तेली ने कार्यशाला के बारे में बताया। इस दौरान सभी विधानसभा के संयोजक एवं सह संयोजक एवं सभी मंडल के संयोजक सह संयोजक उपस्थित थे। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि कार्यशाला में सुभाष सोनी, सुरेश पटेल, गजेंद्र साहू, अमित सेन, गजेंद्र सिंह, विजय शर्मा, बाबूलाल धोबी, अनिल जोशी, देवराज जाट, नरेंद्र सिंह सबदड़ा, महेंद्र राय का, विजेंद्र सिंह, मुकेश पाराशर, कमलेश अमरावत, महेंद्र तिवारी, रमेश चंद्र प्रकाश गाडड़ी, दिलकुश वैष्णव, महावीर मीना, विष्णु व्यास, जसपाल सिंह भाटी, लोकेश जांगिड़ एवं कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 देशों के महासम्मेलन की अध्यक्षता करने का भारत को सौभाग्य मिला है। वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को लेकर एक परिवार, एक धरती, एक भविष्य को लेकर भारत को मिले अवसर के लिए भीलवाड़ा भाजपा महिला मोर्चा द्वारा लादूलाल तेली के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ G20 देशों के प्रतिनिधियों के हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए भीलवाड़ा शहर में स्थित सूचना केंद्र चौराहे पर महिलाओं ने आकर्षक रंगोली बनाई। इस अवसर पर महिला मोर्चा की पदाधिकारी, जिला महामंत्री सुमित पोवाल, जिला उपाध्यक्ष ललिता शर्मा, पार्षद मधु शर्मा, जिला मंत्री दीपा सोनी, मंडल अध्यक्ष सुलक्षणा शर्मा, पूर्व पार्षद निशा जैन, चंदा सोनी, रोमा अंजलि, पुष्पा गंगा, जिला भीलवाड़ा शहर मंडल की आदि महिलाएं उपस्थित थी। हम सब जानते हैं कि भारत में पहली बार G20 देशों की अध्यक्षता का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तेज गति से भारत हर क्षेत्र में विकास कर रहा है और मजबूती के साथ में आगे बढ़ रहा है, आज उसी के परिणाम स्वरूप भारत को G20 देशों की अध्यक्षता का सौभाग्य मिला है। निश्चित तौर पर भारत की संस्कृति है वसुदेव कुटुंबकम, और उसके तहत एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य, इसी थीम को लेकर संपूर्ण देश में, कई राज्यों में G20 देशों के प्रतिनिधियों का आगमन हो रहा है और उनके स्वागत का, सत्कार का, और देश में और विदेश में और दुनिया में किस तरह का चिंतन हो, किस तरह का विकास हो, किस तरह से हर क्षेत्र में प्रत्येक देश विकास करे, इसी बात को लेकर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। निश्चित तौर पर हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं और G20 देश के जो प्रतिनिधि भारत में आ रहे हैं उनका भी हम हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं। आज भीलवाड़ा महिला मोर्चे की ओर से G20 देशों के जो प्रतिनिधि आ रहे हैं उनके स्वागत को लेकर सूचना केंद्र पर ये कार्यक्रम रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कायस्थ समाज सेवा समिति का नववर्ष स्नेह मिलन सामूहिक भोज व चुनाव कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। सर्वप्रथम जिला अध्यक्ष राकेश सक्सेना ने सभी चित्रांश बंधुओं व अतिथि एवं मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट मोहम्मद फर्जन शाह एवं पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल भीलवाड़ा एडवोकेट बदेश भटनागर, अनिल निगम संरक्षक व प्रदेश प्रतिनिधि राजस्थान कायस्थ महासभा का दुपट्टा व माल्य अर्पण कर स्वागत किया।
समाज के चुनाव भी संपन्न किए गए, जिसमें चुने गए अध्यक्ष महेंद्र माथुर, भोपाल माइनिंग उपाध्यक्ष प्रभात माथुर, सचिव अरुण निगम, सह सचिव लोकेश माथुर व कोषाध्यक्ष संदीप सिन्हा निर्विरोध निर्वाचित हुए। फर्जन शाह ने सभी को बधाई देकर निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किए। इसके साथ ही सांस्कृतिक खेल कूद व फैशन शो का आयोजन हुआ, जिसमें महिला पुरुष व बालक बालिकाओं ने भाग लिया। सभी विजेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अजय माथुर ने पुरस्कार वितरण किया। सभा में संरक्षक के एल श्रीवास्तव, योगेंद्र सक्सेना, अनूप श्रीवास्तव, केदारलाल माथुर, के एन नाग, के सक्सेना, यश कुमार श्रीवास्तव, पुष्पेंद्र सक्सेना, आदर्श भटनागर, विजय नाग, सुनील अष्टाना उपस्थित थे। महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का मती रेखा निगम ने उपस्थित सभी चित्रांश का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम का मंच संचालन मती शालिनी व मती अमर माथुर ने किया। संस्कार स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 14 जनवरी से 16 जनवरी तक स्पोर्ट्स वीक फनेथॉन का आयोजन। सरस्वती माँ को दीप प्रज्वलन कर माल्य अर्पण कर कानूनी सलाहकार एवं सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत सेशल न्यायालय भीलवाड़ा शांतिलाल जैन मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। इसमें विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता के साथ कबड्डी और क्रिकेट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता में अरावली हाउस और क्रिकेट प्रतियोगिता में हिमालय हाउस ने जीत दर्ज की। इस संपूर्ण आयोजन में गौरव शर्मा के निर्देशन में समस्त संस्कार स्कूल टीम का सहयोग रहा। कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि शांतिलाल जैन ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया और आपका ट्रस्ट मंडल का शिष्टमंडल को निर्देशित करते हुए आभार प्रकट कर धन्यवाद दिया। सभी ट्रस्ट मंडल को, स्टाफ को, शिष्टमंडल को और मेरे सामने उपस्थित सभी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को और यदि कोई पेरेंट्स भी हैं तो उन सबको मैं आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि आपने चीफ गेस्ट का मौका दिया और मुझे आतिथ्य स्वीकार करने का अवसर दिया। मैं संपूर्ण शिष्टमंडल का ट्रस्ट मंडल संस्कार जैन यूथ सेवा संस्थान का 19वां स्थापना दिवस 15 जनवरी मकर संक्रांति को सकुशल संपन्न हुआ। संस्थान के मंत्री देवेंद्र डुंगरवाल ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत अल्पाहार से हुई, साथ में क्रिकेट, पतंगबाजी एवं अन्य खेलों में सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तत्पश्चात नवकार मंत्र के जाप के बाद महिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। निर्वाचित अध्यक्ष स्नेहलता पीतलिया ने मंत्री पद सोनल मेहता, उपाध्यक्ष पद ललिता लोसर और अनिता भंडारी, सहमंत्री पद डिम्पल पीतलिया, कोषाध्यक्ष पद वर्षा दक, संगठन मंत्री सिंपल दक, प्रचार प्रसार मंत्री, कार्यकारिणी सदस्य के रूप स्नेहलता पोखरना, अनीता कोठारी, आशा भंडारी, निशा डुंगरवाल, रचना मेहता, काजल देरासिया को मनोनीत किया गया और शपथ दिलाई गई। गरबा एवं गिरनार यात्रा में विशेष सेवा देने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय संजय मांडोल ने सभी आगंतुकों को सहृदय आभार ज्ञापित किया। संचालन संरक्षक विनोद पीतलिया ने किया। कार्यक्रम में धर्मेश गांधी, भैरूलाल बोहरा, सुनील लोसर, बसंत गांधी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में विनीत पीतलिया, अजय डुंगरवाल, सौरभ दक, दीपक पीतलिया, रवि दक, विवेक पीतलिया आदि का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम अत्यंत हर्ष एवं उल्लास से परिपूर्ण हुआ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।